ऑलराइट ट्रेडर्स वर्मा वेलकम। सो बहुत बढ़िया एक्सपायरी रहा, कोई चौपीनेस नहीं था, एक तरफा ट्रेंडिंग मूव आया, बढ़िया मूव आया। ओके, एक एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं, कहाँ पर एंट्री था, कहाँ पर क्या सेटअप बन रहा था। अगर आपने हुली स्पेशल वाला वीडियो देखा है 20 MFTA में, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं कोई ऐसी चीज शेयर ही नहीं करता जो इररिलेवेंट है। ओके, आप कोई भी सेटअप उठा के देख लो, आप ऑल इंडिया बैंड विक्स देख लो, ओके आप सुपर ट्रेंड का देख लो, आप ये थर्ड सेटअप मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, ओके 50 MA 20 MA, तो कोई चीज फालतू नहीं है। ओके, अगर आप एक चीज को पकड़ के चलोगे, कंसिस्टेंसी के साथ चलोगे, तो डेफिनेटली अच्छा रिटर्न आएगा। ओके, मुझे बताओ क्या आप लोग यहाँ पर लॉन्ग जाने का सोच सकते हो, मुझे बताओ, आंसर दो। आपने वो वीडियो देखा पुलिस स्पेशल वाला, क्या आप सोचोगे नहीं मुझे लॉन्ग जाना चाहिए, मुझे लॉन्ग जाना चाहिए, कुछ भी छोड़ दो, क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है छोड़ दो। ओके, आप नहीं सोच सकते क्यों, प्राइस 20 एंड 50 MA के नीचे चल रहा है। तो मैंने बोला है कि अगर प्राइस 20 MA 50 MA के ऊपर चले, शॉर्ट मत मानना, शॉर्ट उतर जाएंगे। ओके, प्राइस अगर 20 MA 50 MA नीचे चले तो लॉन्ग नहीं जाना आपको। होगा क्या, नीचे आएगा वही रिट्रेसमेंट आएगा, फॉल आएगा, रिट्रेसमेंट आएगा, फॉल आएगा। ये बोलते हैं ट्रेंड फॉलोअर्स, ये फॉलो करते हैं वो लोग जो ट्रेंड को पकड़ के चलना पसंद करते हैं। स्कैल्पर्स की बात मैंने अलग बोली थी कि 20 MA के ऊपर आया तो स्कैल्पिंग के लिए 50 MA टेस्ट कर सकते हो, बट वो स्कैल्पर्स की बात थी, ट्रेंड फॉलोअर्स के लिए मैंने ये इंपॉर्टेंट बात यूज किया था। फिर मुझे लगा वीडियो बनाने के बाद, उनके और ऑब्जर्व कर रहा था, मुझे लगा कि मुझे और भी चीजें शेयर करनी है। ओके, तो मैं उसका पार्ट टू लेकर आऊंगा, जल्दी लेकर आऊंगा पार्ट टू, जिसमें उसके अलावा और भी बातें उसी के एस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, 20 50 MA को लेकर, सुपर ट्रेंड को लेकर डिस्कस करेंगे। ओके, तो पार्ट टू लेकर आऊंगा उसका, मैं ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हुआ क्या आज, पहले आज की बात करते हैं। अगर आप देखोगे आज 3 मिनट्स में 2G रिजेक्शन, ऊपर से रिजेक्शन थे और मेरे लिए एक लेवल था। देखो मैं ना मार्केट ओपन होने से पहले लेवल जरूर मार्क करके रखता हूँ कि क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है। दूसरी बात, 10 बजे तक मार्केट को ऑब्जर्व करना बेहतर है, क्योंकि उस टाइम सबसे ज्यादा वॉलिटिलिटी रहती है। आप लॉन्ग जाओगे अचानक से नीचे जाएगा, ठीक है, आप शॉर्ट चले जाओगे अचानक से ऊपर चला जाएगा, तो वो वॉलिटिलिटी रहती है। ओके, तो 10 बजे तक मार्केट को सेटल करना टाइम, तो 10 सवा 10, उसके बाद मार्केट में पता चलता है कि किस साइड हमें ट्रेड देखना है। ओके, अब मुझे बताओ ये रिजेक्शन आया, ओके प्राइस नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, ठीक है नीचे आया, प्राइस क्या कर रहा है, वापस से यहां पे सपोर्ट लिया। ओके, होगा मैंने मैंने यहां पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, यहां पर सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, क्या मैं यहां पर लॉन्ग चले जाऊंगा, मैं यहाँ पर लॉन्ग चले जाऊंगा कहीं पर भी नहीं, क्यों, मैं वेट करूंगा प्राइस 20 MA 50 MA के ऊपर आए। ओके, मेरा जो पहला ट्रेड बना था वो 11 बजे बना था एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे विक्स ने मेरा सपोर्ट किया था, और बैंक निफ्टी अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल था। बैंक निफ्टी, आप समझो निफ्टी वीक लग रहा था, बैंक निफ्टी स्ट्रांग लग रहा था, निफ्टी को देखो। ओके, तो यहां पर एग्जैक्टली मैं 11 बजे का मैं आपको बात करूं तो ये कह लें 11:03। ओके, ये कैंडल ना थे नहीं, 11:03 ये वाले कैंडल थे। हाँ, ये कैंडल पर हुआ क्या, मेरा भी सपोर्ट कर रहा था मुझे, और प्राइस क्या हुआ था, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया। ओके, प्राइस ने ये कैंडल पर रिजेक्शन लिया, 20 MA पर रिजेक्शन लिया, और एक और इंपॉर्टेंट लेवल लगा हुआ था मेरा। ओके, वहां पर रिजेक्शन लिया, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस 20 MA 50 MA ऊपर चल रहा है, विक सपोर्ट कर रहा है मेरा। ओके, सब कुछ फेवर में है, और यहां पर ये डोजी था, और डोजी का लग रहा था मुझे यहां पर सपोर्ट ले लिया, या फिर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था ना, इसके ऊपर जा रहा है। ओके, तो यहां पर एक लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी था, और मेरा टारगेट था पिछले दिन का हाई। ओके, पिछले दिन का हाई मतलब पिछले दिन का हाई की बात करूं तो मेरा यही टारगेट था, 40 नहीं आई थिंक ये था ना, हाँ ये लेवल था 41,627। ओके, बट मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बुक किया क्योंकि मैंने रिजेक्शन देखा था, ये वाला, ये रिजेक्शन। ओके, इस लेवल पर एग्जिट मारा था, तो ये था पहला ट्रेड। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर वेट करना था प्राइस एक्शन का। मुझे तो ये लग रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये लग रहा था कि वापस से थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा, ये ऊपर गया थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा, देन वापस से एक मोमेंटम आएगा, मोमेंटम में ब्रेकआउट करेगा और ऊपर के लेवल फाड़ेगा, मुझे लग रहा था ये, मुझे यही लग रहा था। बट हुआ क्या, हुआ कुछ और, हुआ क्या, निफ्टी ने, ये देखो यहां पर निफ्टी ने ये ब्रेक डाउन किया। ओके, यहां पर 11:51 कैंडल पर ब्रेक डाउन किया, जहां पर 20 50 MA नीचे आ गया वापस। ओके, उसके बाद फिर क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद प्राइस और ऊपर
और ऊपर जाना चाहिए था, अगर इसको ऊपर जाना चाहिए था तो और ऊपर जाता, 20-50 mm को ब्रेक करता, बट क्या हुआ ये 50 mm को ब्रेक नहीं कर पा रहा और कहीं ना कहीं ये लोअर हाई लोअर लोस बना के नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। ओके, एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी था मेरा इस लेवल के आसपास, ये कैंडल बना था, बट मैं वेट कर रहा था थोड़ा रिट्रेसमेंट आए, थोड़ा रिट्रेसमेंट आए, क्योंकि विक्स ने मुझे यहां पर सपोर्ट किया था। ओके, विक्स ने मुझे यहां पर सपोर्ट किया था, मुझे सेलिंग दिखाया था कि मार्केट में सेलिंग आएगा। मैं क्या सोच रहा था, थोड़ा सा ये रिट्रेसमेंट करे देन वापस से टूटेगा तो मजा आएगा, बट क्या हुआ यहाँ पर ये ऑलरेडी नीचे टूटता हुआ चला गया और मेरे को एंट्री मिला ही नहीं। ओके, जो सेकेंड एंट्री मिला, जो परफेक्ट एंट्री मिला, वो मिला इस कैंडल पर। एक एक कैंडल को हम ऑब्जर्व करते हैं। ओके, कुछ कैंडल्स हमने डिसाइड करके रखी है कि इन्हीं के ऊपर ट्रेड करना है। ओके, वो सेटअप हम ऑलरेडी ट्रेडर्स कमिटी में डिस्कशन किया हुआ है। तो एग्जाम जो सेटअप आया था ना, वो यहां पर आया था, यहां पर हमें तीनों ने कंफर्म किया था, निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी फ्यूचर्स। ओके, और उसके बाद यहां पर एक शॉर्ट मारा था और ये एक मूव कैप्चर किया, तो ये था, दो अच्छे मूव मिले। ओके, उसके बाद यहां पर बुक कर दिया था, इसी के आसपास बुक करा था, और ये मूव नहीं पकड़ पाया, ये वाला मूव नहीं पकड़ा। ओके, बट क्या हुआ ये मूव कैप्चर किया। ओके, तो वही आप हर मूव नहीं पकड़ सकते। ओके, ठीक है, अगेन मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, सुपर ट्रेंड को अंडरएस्टिमेट मत करो, सुपर ट्रेंड के साथ चलो। ओके, सुपर ट्रेंड ब्रह्मास्त्र, मैं बता रहा हूं अभी भी, ठीक है, एक बार ऐसे जाएंगे, दो बार ऐसे जाएंगे, बट ये लंबा ट्रेंड होल्ड करवाता है, लंबा ट्रेंड। ओके, मान लो आप कभी चौपीनेस आ भी गई मार्केट्स में, कितने ऐसे जाएंगे, 30 पॉइंट का तो एसएल रहता है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल सुपर ट्रेंड, चलो मान लो यहाँ पे पॉजिटिव हुआ। ओके, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ 672 पर, ठीक है, 672 पर सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ, एसएल क्या है 51, 20 पॉइंट का एसएल, क्या होता है 20-25 पॉइंट का एसएल। बट अगर सुपर ट्रेंड नेगेटिव हुआ कितने पर, 51 पर, और आपने ट्रेंड को राइट कर लिया कितना 77, तो 70-80 पॉइंट तो वैसे ही मिलेगा आपको। तो सुपर ट्रेंड आपको ट्रेंड बताता है। ओके, ट्रेंड बताता है, यहां पर जैसे नेगेटिव हुआ तो आपका ऐसे क्या है, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव रख सकते हो, उसके बाद ट्रेंड पकड़ना सिखाएगा आपको कि ट्रेंड पकड़ के चलो। ओके, बहुत कम ऐसा होता है जहां पर सुपर ट्रेंड आपको चॉपिनेस रहता है, जहां पे आपको सुपर ट्रेंड चॉपिनेस रहेगा, बार बार फेक सिग्नल देगा, जैसे यहां पर ये थोड़ा चॉपिनेस है, ये पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, ठीक है, फिर नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, और फिर नेगेटिव हुआ, तो ट्रेंडिंग मूव दिया। ओके, तो ये चीज भी पकड़ते आना चाहिए कि कब आपको सुपर ट्रेंड देखना है और कब आपको अवॉइड करना है। ओके, तो मैं लेकर आऊंगा सेकेंड पार्ट, उसमें और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि अपने कैसे क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं और चीजों को, ठीक है, मतलब जो मैंने जो फर्स्ट वीडियो लेकर आया था होली पे, उसका और एक्सटेंडेड वर्जन रहेगा वो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कल की, कल मार्केट में क्या लग रहा है और क्या हो सकता है कल फ्राइडे। सबसे पहले तो ट्रेंड लाइन देख लेता हूँ मैं, कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह बन रहा है क्या। अब मैं ना ये ईएमएस को हटा रहा हूँ, 1 मिनट, मैं 20 ईएमएस को हटा रहा हूँ, 50 रखा, ठीक है। ओके, ये ट्रेंड लाइन मुझे दिख रहा है, निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो है आपका 17,538, 17,538 नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है निफ्टी का। रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये भी सपोर्ट है, 17,582 भी एक सपोर्ट है। ओके, ये एक रेजिस्टेंस है, 600 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। ओके, 600 के बाद 646, टू बी वेरी ऑनेस्ट लॉन्ग कब तक नहीं बनेगा, लॉन्ग जब तक नहीं बनेगा, जब तक ये लेवल नहीं जाएगा, जब तक ये लेवल नहीं जाएगा लॉन्ग नहीं बनेगा। ओके, ये लेवल क्या है, 660, 670 होगा क्या प्राइस। अब देखो बताता हूं कल क्या हो सकता है, अगर प्राइस गैप अप हो गया, मैं एक टेबल मार्क कर रहा हूं, एक रेंज मार्क कर रहा हूं। ओके, ये रेंज है, अगर कल गैप अप हो गया, इन केस कल गैप अप हो गया, ओके, तो क्या होगा, यहां से वॉलेटिलिटी हो जाएगी, ये यहां पर नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऐसा ट्रेड करता रहेगा। ओके, एक रेंज में फंस जाएगा, मतलब ये लेवल शायद नहीं टूटेगा और ये हाई नहीं टूटेगा, मतलब रेंज की जो बात कर रहा हूं, 580 से लेके 680, 580 से लेके 680 कल इस रेंज में ट्रेड कर सकता है, अगर अगर गैप अप हुआ तो इस रेंज में ट्रेड कर सकता है। ओके, कल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन चेज मत करना, मतलब कि फॉर एग्जांपल क्या हुआ, निफ्टी ने कल इसका ब्रेकडाउन किया। ओके, इसको चेज मत करना, हो सकता है ये फेक हो जाए, फेक हो जाए और प्राइस क्या हो वापस से ऊपर आ जाए, ऊपर आने के बाद इस
तरीके से आ जाए, क्यों टेक्निकल वॉलेटिलिटी थोड़ा रह सकता है, ओके। कल बड़ा ट्रेंडिंग मूव नहीं आएगा क्योंकि आज ऑलरेडी एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव आया है, ओके ठीक है। बुलिश नहीं रहेंगे जनरली, बुलिश इसी के ऊपर मिलेगा आपको जो भी रहेगा, बट अदरवाइज मुझे लगता है कि साइडवेज टू बेयरिश हो सकता है, ओके। ऊपर जाएगा सेलिंग आएगी, ऊपर जाएगा सेलिंग आएगी, ओके ऐसा हो सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं, ठीक है। ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं, ये अगर 41,100 ब्रेक करता है देन 41,000 का एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल लगा हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है, जो नेक्स्ट लेवल है वो ये गैप है 40,600 के आसपास, ओके। ये जो गैप है ये गैप फिल करने आ सकता है, तो ये मेरे पास बैंक निफ्टी के लेवल से। तो पहली बात, तो बैंक निफ्टी भी कल चौपी हो सकता है, ओके। ऊपर नीचे एक रेंज बाउंड हो सकता है, ओके। बट जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा बैंक निफ्टी, तब तक का लॉन्ग नहीं बनेगा, ओके। तो वो क्या रहेगा, साइडवेज टू बेयरिश ही रह सकता है, ओके। तो कल चॉपिनेस रह सकती है मार्केट्स में, ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, ऑलरेडी बड़ा कैंडल है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कैंडल बहुत बढ़िया आया है, और यहां पर क्या हुआ समझो आप, वापस से 50 EMA के प्राइस नीचे आ गया। अच्छा अब मैं इस पे भी ना एक बार 20 EMA 50 EMA लगा रहा हूँ, एक सेकंड बस, ओके ठीक है। तो प्राइस 20 EMA के तो ऊपर है बट 50 EMA के नीचे, तो अभी ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट्स भी नहीं बनेंगे और लॉन्ग भी इतना नहीं है, तो ये रेंज बन गया, एक ये रेंज बन गया, ओके ये रेंज बन गया। तो इस रेंज के आसपास बैंक निफ्टी रह सकता है, ओके। निफ्टी का एक बार और देख लेता हूं मैं जरा, ओ निफ्टी में वीकनेस आ गई, निफ्टी में वीकनेस आ गई, ओके। कैंडल भी स्ट्रांग है और वापस से 20 EMA 50 EMA पर आके वापस से ये क्लोजिंग कहां दिया है, क्लोजिंग आया बिलो 20 EMA, बिलो 20 EMA, ओके। तो देखते हैं, अगर कल कल बढ़िया कैंडल आ गया, ग्रीन कैंडल आ गया, इसको पूरा वो कर लिया, इंगल्फ कर लिया, बुलिश इंगल्फिंग, तो डेफिनेटली फिर इसको कोई नहीं रोक सकता, ओके ठीक है। और मून फेजेस के हिसाब से लग रहा है कि बॉटम आना चाहिए। अब मून फेजेस में होगा क्या, सपोज यहां पर एक दो तो कैंडल बनाएगा रेड, फिर क्या हुआ ऊपर आ जाएगा वापस से, तो ऐसा रहता है मून फेजेस में, ओके। बट देखते हैं क्या होता है मार्केट्स में, इंट्रा डे का ट्रेंड पकड़ के चलो 3 मिनट्स 5 मिनट्स के हिसाब से, ओके। और अगर आप इंट्रा डे कर रहे हो, बाकी पोजिशनली सुपर ट्रेंड को फॉलो करो, उस पर ट्रस्ट रखो, क्योंकि एक भी दिन अगर आपने ट्रेंड पकड़ लिया, अगर ट्रेंड एक बार भी पकड़ लिया तो बहुत है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कितनी बार ही मैंशन किया है, हम ट्रेंड को छोड़ना नहीं चाहते, ओके। ये देखो ये ट्रेंड, अगर इस तरह का ट्रेंड आ गया तो डेफिनेटली जोर का छाप के निकल जाओगे, ओके। तो हमने यहाँ पर भी कोशिश किया है, बस यहाँ पर एक इशू हो गया 50 EMA, एक दिक्कत आ गई कि डेली चार्ट में 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई, बस एक ही इशू आ गया है, अदरवाइज सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है। और हो सकता है आने वाले 2-3 दिन में, मंडे को ट्यूसडे को, ये 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे दे और फिर ऊपर साइड के मूव दे दे, क्या पता, ओके ठीक है। सो बाकी देखते हैं कल मार्केट्स में क्या होता है, और वीडियो प्लान करूंगा वीकेंड में लाने का, ओके। सो थैंक यू सो मच, आई होप वीडियो पसंद है, और वीडियो पसंद लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।